उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल ठीक हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ एक नई ऑमलेट की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ टर्किश ऑमलेट। रेसिपी शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर दीजिएगा। हाँ जी, टर्किश ऑमलेट में जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें मैंने लिए हैं जी 4 अदद अंडे लिए हैं, और मैंने जो टमाटर हैं उनको रिंग्स फॉर्म में काट लिया है, और मैंने ये मोज़रेला चीज़ ली है। हाँ जी, आइए चल के देखते हैं कि हम कैसे ऑमलेट, टर्किश ऑमलेट कैसे बनाते हैं। मैंने नॉन स्टिक पैन लिया है और अब इसको ब्रश की मदद से ग्रीस कर लूँगी ऑयल से, और इसमें टमाटर जो हैं वो सेट करके रखूँगी। मीडियम फ्लेम मैंने ऑन किया हुआ है और टमाटर को मैं इस पर सेट करके और दूसरी तरफ मैं अंडे निकाल लूँगी। बारी बारी मैं अंडे तोड़ के अच्छे तरीके से इसको फेंट लूँगी। टमाटरों को मैंने मीडियम फ्लेम पर रखा हुआ है। हाँ जी, दूसरी तरफ देखें, हमारे जो टमाटर थे वो पकना स्टार्ट हो गए हैं और इनका जो पानी था वो भी निकलना शुरू हो गया है। और अब मैं इसको फॉर्क की मदद से पलट दूंगी ताकि ये ऊपर वाली तरफ से भी अच्छे तरीके से कुकड हो जाए। बारी बारी मैं सबको पलट दूंगी फॉर्क की मदद से, लेकिन ख्याल रहे कि आपने जो फ्लेम है वो मीडियम रखना है। अगर हाई फ्लेम रखेंगे तो ये जल जाएंगे। और अब इनको पलटने के बाद जो मैंने अंडे का बैटर बनाया था उसमें जी मैं शामिल करूँगी 1/2 टेबल स्पून नमक। इसमें ज़्यादा मसाले नहीं शामिल करने, और 1/2 टेबल स्पून इसमें मिल जाएगा जी काली मिर्च, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। दूसरी तरफ देखें, हमारे जो टमाटर थे वो बिल्कुल अच्छे तरीके से कुकड हो गए हैं, और अब मैं इस पर जो अंडे का बैटर बनाया था वो इस पर डाल दूँगी। अंडे का बैटर डालने के फौरन बाद ही इस पर मैं चीज़ डाल दूँगी ताकि चीज़ के साथ साथ अंडे भी पक जाएँ। टर्किश आमलेट बनाते टाइम आपने यह ध्यान रखना है कि आपने फ्लेम जो है मीडियम रखना है। हाँ जी, देखें अंडों के साथ साथ मैंने ऊपर चीज़ डाल दी है, और देखें वो भी बिल्कुल पक चुकी है। अंडे हमारे अच्छे तरीके से कुकड हो गए हैं। हाँ जी, एक और बात, आपकी मर्ज़ी, आप इसको प्लेट रख के पलट भी सकते हैं, लेकिन मैंने पलटा है क्योंकि मुझे थोड़ा सा ऊपर थोड़ा कच्चा फील हो रहा था कि अंडा अच्छे तरीके से ऊपर से भी कुकड हो जाए, तो इस वजह से मैंने उसको पलट दिया है। हाँ जी, देखें ये उसकी नीचे वाली साइड है, ये भी अच्छे तरीके से कुकड हो चुकी है। हाँ जी, देखें ऑमलेट हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है, और मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी, और आप सब अपने घरों में इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।